नमस्कार, यूट्यूब चैनल दि ठाट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दीवान सिंह बिष्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है मुबारक बेगम का मकबरा या रंडी का मकबरा। उन्नीसवीं सदी में बनी इस मस्जिद को रंडी की मस्जिद के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि अभी भी कुछ लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। कई लोगों को अचरज होगा कि एक मस्जिद का नाम एक यौन कर्मी के नाम पर क्यों रखा गया। मुबारक मूल रूप से हिंदू थी जो मुसलमान बन गई। इसका नाम बीबी महरातुन मुबारक उन निसा बेगम था, लेकिन उन्हें मुबारक बेगम के नाम से जाना जाता था। जनरल डेविड की 13 पत्नियां थीं और मुबारक बेगम उनमें से एक थी। वे डेविड के सबसे छोटे बेटे की माँ भी थी। मुबारक और डेविड ने शादी की थी। उम्र में छोटी होने के बावजूद डेविड के साथ रिश्ते में उनका अधिकार था। इसी वजह से जनरल डेविड ने तय किया कि मुबारक बेगम से पैदा उनके बच्चे की परवरिश मुस्लिम तरीके से होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे चैनल दि ठाट को सब्सक्राइब करें। तो लाते हैं आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। थैंक यू।